नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। तो बेटा, आज आप लोगों ने दिया है मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन का अपना पेपर, प्री बोर्ड एग्ज़ाम। क्लास 12 के बच्चों ने सब्जेक्ट कोड आपका 048 है और अब आप लोग देख रहे हैं उसका सॉल्यूशन। तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। शिक्षा प्रवाह की इस वीडियो में आपको मिलेगा आपके मॉर्निंग शिफ्ट फिजिकल एजुकेशन प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो दिया है आपने आज, उसके सॉल्यूशंस मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स। तो बेटा, पेपर को सॉल्व करने से पहले अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए, ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के लिए, मॉडल टेस्ट पेपर के लिए, सीबीएसई सैंपल पेपर्स के लिए, इसके अलावा सीबीएसई की हर अपडेट जैसे कि आपका रिजल्ट है, डेट शीट है, प्रैक्टिकल है, इन सब की पूरी जानकारी आपको मिलेगी शिक्षा प्रवाह पर। शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। तो बेटा, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहला डेफलिंपिक किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका ऑप्शन बी, 1924। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा आपका, मरम्मत और रख रखाव का कार्य किस पोषक तत्व के द्वारा किया जाता है, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए हमें, प्रोटीन की, और प्रोटीन है ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक कारक गति को निर्धारित करता है, तो ऑप्शन है विस्फोटक शक्ति, लाल फाइबर, तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता, और ऑप्शन ए और सी। तो इसका आंसर होगा ए, विस्फोटक शक्ति, और सी, तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता। तो इस पर जाएंगे हम ऑप्शन डी पर। अच्छा बेटा, इसी के साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी यहाँ पर एक बार ज़रूर बताऊंगी कि ये आप लोगों की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम नहीं है। हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में कुछ और दिया गया हो। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली सॉल्व किया है, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि एकदम से जैसे क्वेश्चन पेपर है तो उसके आंसर्स, उसका सॉल्यूशन रहता ही है। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हमको भी होता था कि भाई हम लोगों को जल्दी से ऐसे सॉल्यूशन मिल जाए हमारे क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन बैठ कर तैयार किया जाने वाला आसन नहीं है, तो फोर्थ का आंसर होगा शलभासन। शलभासन बेटा लेट करके किया जाता है, बाकी तीनों आसन वक्रासन, मंडुकासन और गोमुखासन बैठकर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है, भीतर उतार चढ़ाव, अनभिज्ञता, उपद्रवी होना, या फिर आत्मनियंत्रण। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मनियंत्रण। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल होगा तो सभी काम आराम से हो जाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है बेटा, ट्रेडमिल पर दौड़ना किस तरह का व्यायाम है, तो इसका आंसर होगा आइसोकाइनेटिक, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेवन है बेटा, यदि एक लीग टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 16 है तो कितने बाई दिए जाएंगे। देखो बेटा, अगर टीमों की संख्या जो होती है वो ऑड नंबर होती है, ठीक है, यानी कि 9 है, 11 है, 7 है, इस तरह से होती है, तो एक बाई हमको दिया जाता है। लेकिन अगर पहले से ही पॉजिटिव है तो हमें कोई भी बाई नहीं दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस आसन को पहचानिए, तो आसन को देखना है और फिर पहचानना है, और इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका आंसर है मकरासन। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपसे फिजिकल एजुकेशन में नहीं पूछा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, अच्छा जिन मतलब विजुअली इम्पेयर्ड कुछ बच्चे रहते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन खड़े मुद्रा में किया जाता है, तो वो आंसर होगा उसका व्रजासन, ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए कथन वाला। दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, तो बता देना है कि कथन सही है, कारण सही है, और एक दूसरे की सही से व्याख्या कर रहे हैं या नहीं। तो इसके अंदर कथन है, तंग कपड़े पहनने से कंधे गोल हो जाने की विकृति विकसित हो सकती है। ठीक है,
बिल्कुल सही है, हो सकती है। बा, गोल कंधे संबंधी विकृति को ठीक करने के लिए प्रत्येक दिन हलासन करना चाहिए। हाँ ये भी ठीक है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए पर, आ और बा दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो हाँ आप बिल्कुल सही करके आए हैं, ऑप्शन बी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आप लोगों के लिए, सिट एंड रिच परीक्षण किसके लिए एक अच्छा उपचारात्मक व्यायाम है? तो बेटिए देखना, इसका जो आंसर हो सकता है देखिए वो हो सकता है लार्डोसिस ऑप्शन ए। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, इसलिए ऑफिशियल आंसर की में आप इसके आंसर को ज़रूर चेक करेंगे। ऑफिशियल आंसर की आपको मिल जाएगी शाम को 6 बजे शिक्षा प्रवाह पर। सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम के बाद ही वो आंसर की रिलीज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेनल्टी शूट के दौरान गोलकीपर के खड़े होने की मुद्रा, क्रिकेट के दौरान बल्लेबाज के खड़े होने की मुद्रा किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए सक्रिय संतुलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आक्रामकता का प्रयोग करना चाहिए, आक्रामकता का प्रयोग करना कहलाता है। तो जब भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हम जिस भी आक्रामकता को, जिस भी एग्रेशन को यूज़ में लेते हैं वो एग्रेशन कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, यानी कि सहायक आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 14 को सबसे बड़े परीक्षण चक्र के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्रो चक्र। जो मैक्रो साइकिल है वो सबसे लंबी साइकिल होती है प्रशिक्षण के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक लीग टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 9 है तो कितने मैच खेले जाएंगे? तो फॉर्मूला क्या है, टीमों की संख्या और उसके बाद ब्रैकेट टीमों की संख्या माइनस एक और डिवाइड बाय किससे, 2 से। एक तरह से अगर आप आपने पढ़ाई था आप लोगों ने मैथ्स, तो हमको हम इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो हमारी टीमों की संख्या 9 है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूला में रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 और 2 का मिलान करते हुए सही उत्तर सही उत्तर को छांटना है। तो किसी व्यक्ति की लचक को मापने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं, सिट एंड रिच प्रशिक्षण, बिल्कुल सही। किसी व्यक्ति की पेट की मांसपेशी को नापने के लिए पार्शियल कर्ला परीक्षण, ठीक है। किसी व्यक्ति की त्वरण और गति को नापने के लिए 50 मीटर दौड़, ये भी बिल्कुल ठीक। और इसी तरह से जो चौथा ऑप्शन आपको दिया है, किसी व्यक्ति के शरीर की ऊपरी भाग की शक्ति को नापने के लिए पुशअप, तो ये जो मिलान है बिल्कुल सही किए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा, जो होगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए, सूची 1 और 2 का मिलान करते हुए दिए गए कोड में सही उत्तर को छांटिए, है ना। तो विस्थापन क्या होता है, विदारण, मोच और खिंचाव। तो सबसे पहले सबसे सरल वाला लगा लेते हैं, मोच को बोलते हैं लिगामेंट संबंधी चोट, खिंचाव को बोलते हैं मांसपेशी संबंधी चोट, और इसी तरह से विस्थापन, इन दो, अगर हम इन दो से मैच करेंगे आंसर को तो हम जाएंगे किस पर, ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी है 2, 1, 4 एंड 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि फर्स्ट का 2 जोड़ों संबंधी चोट को बोलेंगे क्या, विस्थापन, और विदारण हो जाएगा त्वचा की टेढ़ी मेढ़ी, त्वचा का टेढ़ी मेढ़ी ढंग से कटना या फटना। ठीक है, अब हमारा 18 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है? तो ये है श्वासन। ठीक है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, मेंटेन करता है। अब है हमारा
क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो अब ये आपका सेक्शन ए जो है वो ख़त्म हो गया है, अब आपका सेक्शन बी शुरू हो रहा है और सेक्शन बी में आपको आंसर्स लिखने हैं। दो नंबर के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो शक्ति को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारकों के बारे में आपको बताना है। तो शक्ति को प्रभावित क्या क्या करता है? विस्फोटक शक्ति है, मांसपेशीय गठन है, मांसपेशियों की लोच और आराम की योग्यता, ये सारी चीज़ें शक्ति को प्रभावित करती हैं। सेकेंड है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता और सहायक आक्रामकता में अंतर विभेद कीजिए। तो शत्रुता वाला जो होता है वो तो आपको पता ही है कि जो आक्रामकता होती है वो या तो कोई उसको हम उस फेस में जाते हैं जब हम को अपने किसी इंसल्ट का जवाब देना होता है, अपमान का, या कथित खतरे में की जाती है। इसके अंदर कोई भी लक्ष्य प्राप्ति की जो इच्छा है वो पॉजिटिव वे में नहीं होती, वो नेगेटिव में होती है, प्रतिक्रिया वाली होती है, आवेग होता है और तीव्र भावना से ये प्रेरित होती है। कौन सी? शत्रुता वाली। ठीक है, अब है सहायक आक्रामकता। सहायक आक्रामकता हमने अभी पढ़ा, ये हमको हेल्प कराती है हमारे लक्ष्य को पाने में। ठीक है, ये पॉजिटिव होती है, ये एग्रेशन पॉजिटिव है और शत्रुतापूर्ण वाला एग्रेशन जो है वो नेगेटिव है। अब है क्वेश्चन नंबर 21, उक्त उच्च रक्तचाप से बचाव के लिए कोई चार आसन लिखिए। तो इसका आंसर होगा, देखो बेटा, सुखासन, ठीक है, स्वासन, ये चार लिखने हैं ना, तो व्रजासन, इसके अलावा भ्रामरी, पवन मुक्तासन, है ना, अर्धलहासन, ये सारा इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोटों के प्रबंध में राइस शब्द को विस्तृत रूप से लिखिए। तो राइस का क्या मतलब होगा? आर से हो जाएगा बेटा रेस्ट, आई से हो जाएगा आइस, सी से हो जाएगा कंप्रेशन, है ना, और ई से हो जाएगा एलिवेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, त्वरण दौड़ और पेस दौड़ में कोई अंतर बताइए। तो बेटा जो पेस दौड़ होती है वो पेस दौड़ तो होती है निर्धारित, है ना, पेस दौड़ को हम निर्धारित दौड़ भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है कि ये कम से कम 800 मीटर की होती है, और 800 मीटर से या तो 800 मीटर या फिर 800 मीटर से ज़्यादा, ठीक। और इसके अंदर जो एथलीट होता है वो एक स्पीड बना करके लगातार दौड़ता रहता है। और त्वरण दौड़ जो होती है, जैसे कि नाम से ही विदित है, त्वरण मतलब एकदम से तीव्रता वाली, तो त्वरण दौड़ में जो है वो तीव्रता को महत्व दिया जाता है, है ना, और ये थोड़ी दूरी जो होती है कम होती है। इसके अंदर जो एथलीट होता है उसकी विस्फोटक शक्ति को नापा जाता है कि उसके अंदर कितनी विस्फोटक शक्ति है, वो कितने कम समय में दूरी को तय कर सकता है। तो ये थे बेटा आपके दो नंबर वाले प्रश्न का सॉल्यूशन। अब है सेक्शन सी, तीन नंबर वाले क्वेश्चंस के आंसर। तो बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए जो तीन नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन आप अपनी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आएगी उसमें देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहला प्रश्न है, जितना अधिक बल उतना ही अधिक त्वरण, यह वाक्य किस गति के नियम का प्रतिनिधित्व करता है? तो बेटा इसका आंसर होगा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ को ये चीज़ दिखाती है। सेकेंड है, चित्र संख्या एक में दर्शाए गए गति के नियम को पहचानिए। तो इसके अंदर एक व्यक्ति जो है वो जंप लगा रहा है, तो इसके अंदर प्रभावित होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर तीन है, गति के दूसरे नियम को इसके रूप में भी जाना जाता है, यानी कि तीसरा जो नियम है उसका दूसरा नाम पूछा है, तो दूसरे नियम को बोला जाता है लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया है, एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी व एक गतिशील वस्तु तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी शक्ति ना लगाई जाए। गति के इस नियम का नाम है, तो इसका नियम का नाम भी है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको भी न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं। और इसमें जो आपसे बाद में क्वेश्चन पूछा गया है अथवा और में कि गति के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, तो गति का प्रथम नियम बुलाते हैं लॉ ऑफ इनर्टिया, है ना, लॉ ऑफ इनर्टिया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है किस, मतलब रूमा पिछले 2 वर्षों से अपने घर से ही अपने कार्यालय का कार्य कर रही है, हाल ही में आंखों में सूखापन और पीठ दर्द महसूस हो रहा है, वह एक डॉक्टर के पास गई, डॉक्टरी जांच में पता लगा कि यह सब विटामिनों की कमी और धूप की कमी से हुआ है, तो कौन से आहार और पोषक तत्वों को उसे बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहला है किस विटामिन की कमी से आंखों का रोग होता है, तो हम सभी छोटेपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए से ऐसा होता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से हड्डियों की समस्या होती है, विटामिन डी की कमी से ऐसा होता है। कोई भी ऐसे 2 खाद्य स्रोतों का सुझाव दीजिए जिनका सेवन आंखों के स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, तो इसके अंदर हम आंसर दे सकते हैं कैरेट्स, फिश, स्वीट पोटैटोज और एग, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको आसन दिखा रखा है, ठीक है, और पूछा गया है मधुमेह से बचाव करने के लिए अभ्यास किए जाने वाले इस आसन की पहचान कीजिए, तो इस आसन का नाम है बेटा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, है ना, मत्स्येंद्र आसन ये इसका नाम है। वो जो ठीक है ये है इसका नाम। अब सेकंड है आपसे जो पूछा गया है, मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किन खाद्य पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, तो वाइट ब्रेड, राइस, पास्ता, फ्लेवर्ड कॉफ़ी ड्रिंक, है ना, ड्राई फ्रूट, हनी और जो पैकेज स्नैक्स फूड होते हैं, इन सबको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। सी है मतलब किसके द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, जिसको मधुमेह है उस रोगी को इन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। सी है मधुमेह से बचाव के लिए अभ्यास किए जा सकने वाले किन्हीं 2 आसनों के नाम बताइए, तो आप कई सारे आसन बता सकते हो, तो आपको सिर्फ 2 बताने हैं, तो आप स्वासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार, इन सबको बता सकते हैं। ऑप्शन डी है मधुमेह के कोई 2 हानिकारक प्रभाव बताइए, तो मधुमेह से क्या मेनली जनरली समस्या होती है, एक तो थकान और कमजोरी महसूस होते रहती है, जो हमारा घाव है चोट हमें लग जाती है तो वो जल्दी से नहीं भर पाता मधुमेह रोगियों का, इसके अलावा पैरों और घुटनों में दर्द रहता है, वजन अचानक से बढ़ने लगता है या कम होने लगता है, ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं डायबिटीज पेशेंट्स में। इसके अलावा मधुमेह के कोई 2 कारण यहाँ पर आपसे पूछे हैं, तो वो आप बता सकते हो कि मोटापे की वजह से ऐसा हो जाता है, या फिर अगर कोई किसी के पारिवारिक ये चीज़ चली आ रही है, मतलब ये जेनेटिक होता है, अगर ये पेरेंट्स में है या ग्रैंड पेरेंट्स में है तो ये तुमको आने की संभावना होती है, उच्च मतलब हाई ब्लड प्रेशर भी इसका एक कारण है, ठीक है। और हमारी जो जीवन शैली है वो जीवन शैली भी प्रभावित करती है कि हम किस तरह से डाइट ले रहे हैं या हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, योग और व्यायाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मधुमेह का कारण बनती हैं, ठीक है बेटा। अब है सेक्शन ई वाले लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो बेटा इनका सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे किसमें, ऑफिशियल आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की बेटा मैं 6 बजे अपलोड कर दूँगी। और कैसी लगी आपको ये वीडियो वो मुझे ज़रूर बताएंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए इस कारण से सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया है, तो मेरी वीडियो को आपको शेयर तो करना ही है, लाइक करना है जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा,
और आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोगों के लिए एक क्यूट सा थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।